कुछ ना कुछ सीक्रेट तो होगा। सीक्रेट सिर्फ और सिर्फ प्यार मोहब्बत है बस, और कुछ भी सीक्रेट। ये है सबसे पुरानी दुकान, सिर्फ नान बस, नान होते हैं, कोई चीज है ही नहीं इनके पास। एक इधर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है। अच्छा ये भी यही है, यहाँ पे भी बन रहे हैं भाई, कितने माशाल्लाह तंदूर लगे हुए। कितना पुराना है होटल ये? 52 से। 1952 से जी। अच्छा ये आपने उसी तरह की उसी तरह का रखा हुआ है ना? गुलाब जामुन का बाप है, टोशे मुल्तान में होते हैं? जी मुल्तान में मिलते हैं, मुल्तान में भी दो जगह से मिलते हैं। हमारे पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है, ये इंडियन वो है। अब बम्बई वालों आप बताओ कि ये पतीसा जो है ना, ये ऐसा ये वहाँ मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता तो होगा जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं उज़िया तबारक और हम इस वक्त मौजूद हैं मुल्तान में। पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम ट्रेन की एक ज़बरदस्त जर्नी करके मुल्तान पहुंचे हैं काम के सिलसिले में, लेकिन अभी हो रही है शाम, थोड़ा रेस्ट किया है हमने और अब हम जाएंगे, हमारे दोस्त हैं साकिब भाई, उनके साथ हम जाएंगे कुछ मुल्तान का लोकल फूड एक्सप्लोर करने। वो बहुत ही बड़े फूडी हैं भाई, तो मैंने कहा कि कुछ लोकल स्ट्रीट फूड वगैरह हम ज़रा देखें, कुछ चाइनीज़ वाइनीज़ भी हो जाए तो मज़ायका नहीं है। देखते हैं आज मुल्तान में रात में क्या क्या होता है और आपके साथ शेयर करते हैं, तो फिर चलें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? साकिब भाई आ गए, भाई राव साहब आ गए। आप लोगों ने पिछली पुरानी जो मुल्तान की वीडियो है इसमें आपने देखा होगा इन लोगों को, माशाल्लाह दोनों भाई मुल्तान के जो है ना वो टॉप फूडीज में शुमार होते हैं, और इनके साथ आज हम एक्सप्लोर करने वाले क्या 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 क्या, थोड़ा सा प्लान आप देंगे थोड़ा सा हम देंगे, रास्ते में डिसाइड करते हैं। सजेशन बहुत सारी हैं, स्वेट आपने करना। चले जबरदस्त जबरदस्त, चले चले चले। सबसे पहले हम पहुंच गए नफीस चटखारा पे, छोटा सा कार्ड बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत सा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान? ठीक है, आप खैरियत से? अरे आपकी मोहब्बत, अरे बड़ी मोहब्बत आपकी यार, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह भाई। ये साकिब भाई हमको लेकर आएंगे, ये बोल एक एक चीज कौन सी ट्राई करनी चाहिए? एक चीज आपको कटोरी चाट या राज कचौरी में से कोई है? आपको कटोरी चाट जो हमारी हीरो प्रोडक्ट है। बस बस, और इसके अलावा जो है बास्केट चाट, एक कटोरी एक बास्केट। हाँ सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम साकिब रसा। अच्छा भी साकिब है। अच्छा ये भी साकिब है। तो साकिब भाई कब से आपने ये लगाया है? कितना से हो गए? 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। अच्छा 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 भाई, ये चने आ रहे हैं, ये मसाला आ गया, और ये कोई सीक्रेट मसाला नहीं है। सीक्रेट मसाला नहीं है, चाट मसाला है। चाट मसाला, सिंपल चाट मसाला बस। कुछ ना कुछ सीक्रेट तो होगा, सीक्रेट सिर्फ और सिर्फ प्यार मोहब्बत है बस, और कुछ भी सीक्रेट। अच्छा सर जी, दोनों में ना हर चीज सेम होती है, सिर्फ इनका ना थोड़ा सा बेस का है डिफरेंस। ये पोटैटो का भी है। अच्छा अच्छा, ये जो है ना ये पोटैटो बेस में है। अच्छा ये जो बास्केट है पोटैटो की बनी हुई है, जो डलती है ना बेस को, यानी कि अंदर जो मटेरियल है वो सेम है, जो बेस है वो बेस चेंज है। इसमें थोड़ा सा आपको फ्राइज वाला टेक्सचर आएगा। अच्छा, अच्छा, चाट और फ्राइज का। ये दही आ गया, गाढ़ा गाढ़ा खालिश दही लग रहा है मुझे, एक इसमें कुछ नंबर, एक नंबर, मिलाया हुआ है आपने? नहीं, टेस्ट करें, चेक करें। इसी चाट में ही करेंगे इंशाल्लाह, आपको टेस्ट आ जाना है। ये अपनी आलू बुखारे और इमली की चटनी है सर। वाह जी वाह। अच्छा साफ सुथरा सा कार्ड है भाई ये, और ये बिल्कुल ही, कौन सा इलाका है ये? ईदगाह। अच्छा ईदगाह के सामने आपको मिलेगा रेडियो स्टेशन है। अच्छा, और ये निशाद लिनन वाली शॉप के बाहर खड़े हैं। अच्छा अगर आपको लगे कि चटखारे कम है, थोड़े से आप कराची टाइप तबीयत के बंदे हैं, तो ये देखें, ये हमने आपके लिए स्पेशल मिर्ची भी है इसके अंदर। ये देखें मसाले वाले मिर्ची फ्राइड जी। कितने की चाट है ये? ये सिर्फ 250 रुपीज की है सर। 250 रुपीज की एक चाट है ये। अनार भी आ गया भाई। सीटिंग भी बड़ी अच्छी बनाई है यार इन्होंने, थोड़ा सा बैठ जाते हैं, ग्रीन ग्रीन अच्छा लग रहा है यार। ये चेक करो भाई, ये जी लेजेंड्स प्रो मैक्स है ये दोनों। चले साकिब भाई बिस्मिल्लाह करें। गवें गवें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमजान याद आ गया, रमजान। वाह यार वाह, बहुत स्पाइसी नहीं है? स्पाइस के लिए ये देखे ना, का अलग से है भाई। भाई जबरदस्त,
मिर्चा भी अच्छा है। कटोरी चाट ही ऐसी होती है कि आप इसको पूरी खा जाओ ना, इसका मज़ा यही है। ये देखें भाई, ये इसकी बेस जो है ना, ये आलू की है। आके भाई मज़ा आ गया, आया ना सब। एपेटाइजर जबरदस्त हो गया हमारा। मैंने कहा चले होटल से निकलते स्टार्ट होते हैं। बेहतरीन। यहाँ पर कहीं का सबसे पुराना नान वाला बैठा है, खुर्शीद नान। अच्छा। तो मशहूर भी है, वन ऑफ द फेमस नान इन मुल्तान। ओ सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? ये देखो भाई, ये नान लग रहे हैं। ये है सबसे पुरानी दुकान, सिर्फ नान, बस नान होते हैं, कोई चीज़ है ही नहीं। कितनी कितनी तरह के नान है साके भाई यहाँ पे? सिर्फ सादा रोटनी नान और मस्के वाला नान, वो वाला नान। अच्छा, मस्के वाला नान। ये देखो भाई, ये लग रहा है रोगन माशाल्लाह, क्या स्पीड से निकल रहा है नान यार, जबरदस्त। एक इधर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है, दो तंदूर इधर लगे हुए हैं। ये तिल देखे आप, क्या स्पीड में काम चल रहा है यार। आप ये देखिए हैं। अच्छा, ये कितने का होता है नान, ये मस्के वाला? ये सामने बिखा हुआ, ये स्पेशल नान 45 रुपए का स्पेशल नान है। ये देखो भाई, ये तिल ही तिल आ गए इसके ऊपर, ये मस्के वाला नान। कराची से आए जी? कराची से आए भाई। ये क्या मस्के वाला नान भाई, स्पीड तो भाई ऐसी चल रही है, यहाँ पे टाइम नहीं है किसी के पास। और वो वहाँ पे आटे गूंद रहे नीचे। हाँ जी, वो नीचे आटा है, ऊपर भी है, ऊपर भी सिस्टम है सारा, ऊपर भी सारा सिस्टम है, नीचे भी सारा सिस्टम है। अच्छा, ये भी यही है, यहाँ पे भी बन रहे हैं भाई। कितने माशाल्लाह तंदूर लगे हुए। कराची में एक हाजी महफूज शीरमाल, हाँ जी, उनके पास बहुत वैरायटी है नान वान, ये वो। ये आइटम नहीं होगा? हाँ, ये वाला आइटम नहीं होगा। चलो ये जाके चेक करना पड़ेगा मुझे कि ये वाला आइटम है कि नहीं। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? आप कराची में थे, उससे पहले मुल्तान आए थे। जी 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 जी, हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भाई जान, कैसे हैं आप? ठीक हैं। ये देखो भाई, मिठाई के डब्बों की तरह जो है ना, ये नान के डब्बे बने हुए बाकायदा। खुर्शीद नान शॉप रजिस्टर्ड, आपके कदीमी शहर मुल्तान की सबसे पहली कदीमी दुकान, 1960 से कायम शुदा है ये। वाह जी वाह। ये देखें भाई, ये थोड़ी सी हमने तोड़ा है नान को, बहुत ही हल्का फुल्का सा मुलायम सा लग रहा है ये है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। बिस्मिल्लाह। है ना, खाए ना, आप भी खाए ना। मेरे तो घर यही जाते हैं यार, जो तिल लगाए ना इन्होंने भर भर के, और ऊपर से हल्का सा घी का तड़का भी, तो खाली नान भी अपना मज़ा दे रहा है। ठीक है ना, चाय के साथ विवाह है यार, जबरदस्त आइटम है। दूसरा भी उतर गया आपको, और इस दुकान की भी जो है ना, वो बड़ा हैपनिंग है, वाइब एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी है आपको यहाँ पे। हर बंदा काम में लगा हुआ है, नान लग रहे हैं, एक हिलजुल है, पुरानी स्टाइल की दुकान बनी हुई है। और गरम गरम आप ये नान निकलते हुए खाएं, तिल वाला। ये तो आप बिस्किट की तरह जो है ना, बड़ा खस्ता करारा लग रहा है। दोनों अपनी जगह अच्छे हैं, लेकिन ये वाला, ये ज़्यादा अच्छा। ये इसमें ना एक गलत, इसमें जान जान है। हाँ, आ गया, आगे चलते हैं, आगे चलते। खुर्शीद होटल, हाँ जी। ये होटल मतलब ये क्या, ये अभी भी चलता है? ये बहुत पुराना लग रहा है वैसे मुझे यार। वन ऑफ द ओल्डेस्ट। ये देखो भाई, ये पुराने पुराने दरवाजे, पुराना पुराना माहौल। कितना पुराना है होटल ये? 52 से 1952 से जी। ये आपने उसी तरह की, उसी तरह का रखा हुआ है ना? आप देखे, ये रेगुलेटर बोलते हैं, ये देखे, छत देखे, छत देखे, और ये पंखे भी देखे। ये किसने बनाया था होटल? आपके दादा ने? आपके पास रेंट पर है? अच्छा। लेकिन मेरे दादा ने बनाया था, वो भाई किराए में करते रहे। अच्छा अच्छा, ये मेरे दादा खुर्शीद, इनका नाम, अच्छा, इनके नाम पर ही है ये 1952 से। तो ये बताएं कि आपके पास जो सबसे एक चीज़ को ये रिकमेंड करें, आपके होटल में क्या क्या मिलता है?
मैं कहूं ये नमकीन यखनी पीस। अच्छा नमकीन होता है। और क्या क्या होता है? दाल चिकन कोफ्ता होता है, दाल होती है, चिकन कोरमा होता है, आलू कीमा। दोपहर का खाना और रात का खाना? बिल्कुल नाश्ता नहीं होता। नाश्ता देखिए डाइनिंग टेबल भी लगी हुई है उस तरह की, पुराने स्टाइल की ज़बरदस्त, बहुत पुरानी। और जो साकिब भाई ने वारंगल ने रिकमेंड किया है नमकीन यखनी वाला चिकन पीस, चिकन पीस वो ट्राई करते हैं। ये देखिए भाई ये आ गई है यखनी पीस, पूरा समझें कि चिकन टिक्का है इसके अंदर, लेग पीस और थाई का पीस, क्वार्टर चिकन जो है ना वो है इसके अंदर। और ये नमक काली मिर्च भी जो है ना वो अंकल ने दे दिया है, इसको थोड़ा सा वैसे ही टेस्ट करते हैं। जी, जी, पहले ये देखिए ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमकीन है, थोड़ी काली मिर्च मेरे ख्याल पे डालनी चाहिए। हाँ भाई, जिस तरह वो होता है ना मटन रोश, मटन रोज भी इसी तरह से होता है। हाँ जी, वो भी ऐसे ही होती है। हाँ जी, तो ये समझिए कि चिकन है और फील इसकी जो टेस्ट है वो मटन रोज से, मटन रोज मतलब रोज का चिकन में अगर बनाना हो तो वो ये, जो आजकल डाइट कॉन्शियस है उनके लिए भी बहुत ये है। थोड़ा काली मिर्च तो मैं डालूंगा भाई, ये काली मिर्च और ये थोड़ा सा ये नमक। 320 रुपये की एक प्लेट है ये और काफ़ी मुनासिब है, क्वार्टर चिकन भी आपको मिल रही है और फ्रेश खाना और जो वाइब है यहाँ की, मज़ा आया। ये देखें भाई ये सामने बिल्कुल खुर्शीद होटल के बिल्कुल सामने जो है वो ये सज्जी लग रही है कामरान होटल के ऊपर, ये मछली भी है यहाँ पे। ये देखें आप माहौल बना हुआ है, क्या हाल है भाई? ठीक है, जबरदस्त। ये देखिए भाई सज्जी का माहौल बना हुआ है, कितने की है सज्जी? 1050। 1050 फुल चिकन। सर क्या हाल है? वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं देख के बड़ा खुश हो गया, मैंने मेरा भाई यहाँ देखा। ये जो कैंट की फूड स्ट्रीट है ना भाई, ये रमज़ान के अंदर भी यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त माहौल होता है और यहाँ पे लोग बाहर गाड़ियाँ पार्क कर देते हैं, अभी भी गाड़ी पार्क की क्योंकि थोड़ा कंजस्टेड होता है और रमज़ान में तो खुशी तो जगह ही नहीं होती कुछ की है। आप बिल्कुल बहुत रश होता है, रमज़ान में आना पड़ेगा इधर। वो सब रमज़ान आने वाला है। तोशे की दुकान पर आए हम, तोशे ये मीठा है, गुलाब जामुन भी नहीं है और गुलाब जामुन का सिस्टम समझ लो, गुलाब जामुन का बाप है। तोशे मुल्तान में होते हैं? जी मुल्तान में मिलते हैं, मुल्तान में भी दो जगह से मिलते हैं बस। अच्छा, हां जी मुल्तान में भी सिर्फ दो जगह हैं। ये देखो ये खास सौगातें हैं ना भाई। हां जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ये है भाई तोशे, सिर्फ तोशे ही होते हैं यहाँ पे। अच्छा से ये दुकान। अच्छा ये कितनी पुरानी दुकान है? ये जब से पाकिस्तान बना जब की है। तो ये तोशे किस चीज से बनते हैं, किस तरह बनते हैं? खोए के बनते हैं, खोया देसी घी मैदा के तोशे हैं। ये देखे भाई ये तोशे, चले जी तोशा टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलाब जामुन के करीब है, करीब है जी, लेकिन गुलाब जामुन नहीं है, डिफरेंट चीज़ है। हाँ भाई खाने में जो है ना ये बहुत मज़ेदार है, गुलाब जामुन जो है ना थोड़ी सॉफ्ट होती है, ये थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा हार्ड है, रसगुल्ला इतना हार्ड नहीं है। जैसे रसगुल्ला थोड़ा हार्ड, गुलगुला और गुलाब जामुन के बीच में कहने आप इसको, बड़ा मज़ेदार सा टेस्ट है। और सिर्फ तोशा ही मिल रहा है यहाँ पे, आप ये देखिए 960 रुपये किलो बेहतरीन, ज़बरदस्त। चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? ये देखो भाई यहाँ पे बूंदियाँ मिल रही हैं, नमक पारे अंदर से, शाम की सौगात। कैसे अंकल? ठीक है, जलेबियाँ भी मिल रही हैं यहाँ पे, फुल माहौल बना हुआ है। मैंने इतने पता नहीं बताया था, थोड़ा सा सरप्राइज दिया है हमने। भाई पिछली बार हम आए थे मुल्तान तो इनके रेस्टोरेंट पे नहीं आ पाए थे और अब की बार आए तो हमने कहा कि भाई
आना बनता है। बता के आते हैं वैसे कुछ भी हो सकता है आपको देख के जाने कुछ भी बारे ना पाए। ये जो रेस्टोरेंट है ये इस तरह शुरू किया क्या है इसका सीन है बताएं। सीन ये था जब वो कोविड में जब कोरोना लॉकडाउन लगा था उसके बाद वो हमारी जॉब्स वगैरह थी वो ख़त्म हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया। उसके बाद देख रहे थे कि क्या करें, फिर अचानक जो है ना आइडिया आया कि ये अपना स्टार्ट करते हैं सेटअप। ओके। और एक छोटी सी शॉप थी, सिंगल शॉप थी, तो जितना भी ये किचन है ना। तो आप इसके ओनर्स में से हैं? हाँ जी, हाँ जी। आप हैं और मेरे एक और पार्टनर हैं। आप लोगों ने माशाल्लाह ये तो बड़ा काफी बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट लग रहा है। भाई मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, अभी आपने भाई से देखा खुद किचन में खड़ा था। हाँ। ओनर है खुद किचन में खड़ा। ये मैं देख रहा हूँ ना यार, मैंने जब भी पूछा कि भाई आप जॉब कर रहे हैं आपका? नहीं, ये ओनर है यहाँ पर। नहीं, खुद रेस्टोरेंट खुद ही करते हैं, कुकिंग भी कुकिंग खुद करते हैं। और स्टार्ट किया था तब से माशाल्लाह 3 साल हो गए। पहले तो कुकिंग कैसे सीखी आपने? कुकिंग मैंने जब भाई तकरीबन अब 19-20 साल हो गए इस फील्ड में ना काम करते हैं। अच्छा, लगते उम्र में तो इतना नहीं लगते आप? उम्र चोर हूँ थोड़ा सा। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई इन्होंने डिशवाशर से स्टार्ट किया था। अच्छा, डिशवाशर थे ये। अच्छा, किचन में आए, किचन में काम सीख सीख कर अब माशाल्लाह ये उस्ताद से कारीगर, कारीगर से उस्ताद, उस्ताद से बड़े उस्ताद हैं माशाल्लाह यार। बिल्कुल बिल्कुल। भाई एक शेफ़ है तुर्की के, नुसरत, जिनको बहुत सारे लोग जानते हैं, सेलिब्रिटी शेफ़ है, और वो अपने स्टेक्स वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। इंस्टाग्राम पे भी आप लोगों ने देखा होगा। और उन्होंने भी अपना करियर जो शुरू किया था ना, वो इसी तरह किचन के अंदर डिश वॉशिंग करके, शॉपिंग करके, छोटे छोटे काम करके किया था। और आज उनकी वर्ल्ड वाइड जो है ना पूरी दुनिया में चेन है, फूड चेन है नुसरत के नाम से। स्टेक्स इतने एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट जो है वो उस नुसरत का है। तो इंशाल्लाह ताला हमारे जो समी भाई हैं जिन्होंने डिश वॉशिंग से शुरू किया और आज इनका अपना रेस्टोरेंट है, इनके भी इंशाल्लाह पूरी दुनिया में एक ना एक दिन रेस्टोरेंट्स होंगे। माशाल्लाह भाई बहुत सारी डिशेज़ हमारे पास यहाँ पे आ गई हैं चाइनीज़ की, डिफरेंट डिफरेंट। और ये जो सूप है ये 19 भी है, और मैंने समी भाई से पूछा, उन्होंने बताया कि 19 भी बेसिकली जिस तरह चिकन 65 है उस तरह 19 भी जो है ना एक सिग्नेचर सूप होता है। मैंने ये सूप कभी ट्राई नहीं किया है, आज फर्स्ट टाइम ट्राई करके देखेंगे भाई। बहुत गाढ़ा गाढ़ा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत सारे इन्ग्रीडियंट्स इसके अंदर नज़र आ रहे हैं। बिस्मिल्लाह। पीनट्स भी डाली हुई है इन्होंने इसके अंदर यार। इसमें चिकन भी है, प्रॉन भी है, पीनट्स भी हैं, मशरूम्स भी हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त सूप है ये। 19 भी समझे एक तरह का इनका सिग्नेचर सूप है ये। और ना ये हॉट एंड सॉर की तरफ जाता हुआ है, ना ये चिकन कॉर्न की तरफ है, ये बिल्कुल एक डिफरेंट सूप है और बहुत मज़ेदार है। मैंने आपको इसी सूप का कहा था, इन्होंने भाई ने रिकमेंड भी किया था। ये भाई हनी चिकन विद राइस, ये है कैशोनट चिकन विद राइस, ये बीफ मंगोलियन बीफ विद राइस, और ये प्रॉन ड्राई चिली विद राइस। ये 670 की हैं, ये 870 है, और ये प्रॉन जो है वो 990 है। और ये जितना बड़ा बोल है ना ये दो बंदे खाते हैं। हाँ, आराम से खा सकते। ये यार ये वाकई 670 के अंदर तो कुछ भी नहीं है। ये देखिए भाई आप कैशू नट, और ये चिकन भी आ जाए थोड़ी सी राइस के साथ। बिस्मिल्लाह। है ना मज़ा आया? मज़ेदार है। प्रॉन जो है ना वो मेरा फेवरेट है। भाई जो रश है ना वो ऐसे नहीं है। और ये समी भाई जो है ना ये खास तौर पर काफ़ी मेहनती आदमी है, आपने इनकी जर्नी भी सुनी। और जो टेस्ट है ना वो जो प्रीमियम टेस्ट होता है ना एक वाकई में, जो किसी भी आप फाइन डाइन रेस्टोरेंट में जाएं अच्छे बड़े उसमें जो आपको टेस्ट मिलेगा वही चाइनीज़ का टेस्ट मुझको यहाँ पे नज़र आ रहा है। मज़ा आ गया। हर चीज़ जो है वो अपनी जगह बहुत अच्छी है। मुझको सबसे ज़्यादा जो है ना वो प्रॉन ड्राई चिली, क्योंकि प्रॉन मेरी मुझे पसंद है, और उसके बाद कैशोनट चिकन जो है ना वो इन सब में मुझे नंबर वन लगे। उसके बाद जो है वो अपनी अपनी क्योंकि टेस्ट होता है, वैसे तो सारी चीज़ें अच्छी हैं। और सूप अच्छा भाई, ये समी भाई ने जो है ना ड्रैगन वॉक पे अंदर तो बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है, बाहर भी सीटिंग है,
लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी चीज़ लगी वो ये कि जो सामने इन्होंने ग्रेफिटीज बनाई हुई है वॉल के ऊपर, बड़े ज़बरदस्त डिज़ाइन बनाए हुए हैं। इस तरह होता है ना अपनी जगह को साफ रखना, अपने इलाके को, अपने रेस्टोरेंट को। इन्होंने अपनी चीज़ को जो है ना, हालांकि ये सामने वाला एरिया इनका नहीं है, लेकिन इन्होंने इसको भी खूबसूरत बनाया हुआ है। इसी तरह हर रेस्टोरेंट, गली मोहल्ले वाले, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, इसको चाहिए भाई कि वो अपने घर के सामने का, अपनी दुकान के सामने का कचरा साफ रखे, अपने गली मोहल्लों दीवारों को खूबसूरत बनाए, तो ओवरऑल हमारा पूरा मुल्क, पूरा शहर जो है वो खूबसूरत बन जाए। कौन सी जगह पहुंच गए हम? ये सामने बोहर गेट है। बोहर गेट, अंदरून मुल्तान पहुंच गए हम भाई। आ गए भाई, कदीमी दुकान शाहजी चिकन तवा पीस। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं, मजे में हैं। ये कितनी पुरानी दुकान है भाई जान? तकरीबन 70 साल हो गए। 70 साल हो गए, शुरू से यही चिकन तवा पीस है। ये सागे भाई शुरू से इसी स्टाइल में बन रहा है, यही टेस्ट है, यही ऐसे ही है। अभी कितने का हो गया एक चिकन तवा पीस? 400 रुपए का दे रहे हैं फिलहाल। 400 रुपए। लाहौर में जो आरिफ चटखा रहा है ना, उसके अंदर क्या होता है कि वो पूरी चिकन वैसी होती है, यहाँ पे इन्होंने इसको स्मैश किया हुआ है। हाँ, तपाई की हुई है, इसको थोड़ा सा स्मैश करके चपटा किया हुआ है, और इस तरह से फिर इसको चिकन को जो है ना इन्होंने बनाया है। और ये मसाले के अंदर जो है ना पतली वाली चपाती मिल रही है यहाँ पे, और वहाँ पे जो है क्या होता है कि वो देखो वो रोटी के ऊपर मसाला लग रहा है। वाह यार वाह। चपाती कितने की है? 30 रुपये। हाँ नहीं, बगैर मसाले की 15 की। हाँ, तो मसाले वाली चपाती जो है वो 30 रुपये की है। ये जो इलाका है, ये मोहल्ला जो है ना भाई, ये बहुत ही कदीम मोहल्ला है, और ये मुल्तान में बहुत ही पुराना है। यहाँ पे जो है ना एक दीवार दो दीवार घर बने हुए, बड़ी हिस्ट्री है भाई यहाँ की भी। ये देखें आप, इस तरह लाहौर का पुराना इलाका है, उसी तरह यहाँ पे भी, ये भी उस अंदरून मुल्तान है। ये देखें भाई, ये तवा जो है ना यहीं पे सारा काम चल रहा है। यहाँ पे ये थोड़ा सा इनका ये दही रखा हुआ है, ये चिकन के पीसेज रखे हुए हैं, वहाँ पे ये हरी मिर्चें रखी हुई हैं, अंडा भी रखा हुआ है। और ये किस लिए बोनलेस? चिकन बोनलेस। अच्छा, ये भी बनता है? ये भी बनता है। अच्छा, और ये सीक्रेट मसाला है। ईशान भाई माशाल्लाह, ये जो इतना मशहूर है शाहजी पीस, इसका क्या राज है? इसका राज है, ये खाने से जलन नहीं होगी भाई जान। अच्छा, तो ये रेसिपी किसकी है? ये रेसिपी हमारी अपनी है। किसने शुरू किया था ये? दादा अबू ने शुरू किया था। कब? अब देख ले, 70 साल हो गए तकरीबन पाकिस्तान बनने। दादा अबू को बहुत हुए, 40 साल हो गए। अच्छा 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 अच्छा। बड़ी ज़बरदस्त मिर्चों की जो है ना यहाँ पे एक खुशबू आ रही है, मसाला जो है ना वो आपको महसूस हो रहा है। ये इन्होंने घी डाला है ना, घी है ये? घी फ्रेश डालते हैं। अच्छा, कौन सा घी? देसी घी तो नहीं होता ना? नहीं, देसी नहीं होता, लेकिन हांडी घी इस्तेमाल फ्रेश डालते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, घी हम फ्रेश इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं करते कि थोड़ा हुआ वो काम। सही सही सही, फ्रेश काम सारा। सही बात है। कितने बजे तक खुला होता है ये? हम मगरिब के बाद 2 बजे तक होते हैं, रात को 2:30। 2 बजे तक? हाँ जी। यही घर भी यही है आपका? जी जी, घर भी हमारा ही है। वाकई यार बड़ी कदीमी दीवान है। और भाई, ये जो इलाका है इसकी क्या है, थोड़ी सी हिस्ट्री क्या है इसकी? हिस्ट्री आप इसे कह सकते हैं, ये पहले पतंग बाजार भी था। अच्छा, क्यों शाहजी ऐसे ही है? पतंगों वाला बाजार, गुल रोड पतंगों वाला बाजार। पतंगों वाला बाजार। अच्छा, आप पतंगे मिलती थी यहाँ पे? पहले पतंगों की होते थे, अब नहीं मिलती। अच्छा, ये बताएं, ये सीने की का होता है? बस लेग भी होते हैं, दोनों लेग भी होते हैं, दोनों की एक ही प्राइस है। चले जी, आ गए हमारे तवा पीस। और ये जो है ना, ये आप चेक करो भाई, ये चपाती है मसाले वाली। इसको तो पहले ऐसे ही आप ज़रा ट्राई करें, और बगैर किसी चीज़ के चपाती। बिस्मिल्लाह, क्या मसाला है यार, चटपटा लजीज। मैंने चिकन नहीं लगाई है अभी, लेकिन चपाती के अंदर पूरा उसका एसेंस आ गया है, वो उसी तवे पर मसाला लगा। ये भाई चिकन तवा पीस। बहुत लजीज, बहुत जायकेदार, स्पाइसी भी है। ये ऐसा नहीं है कि आपसे खाया ना जाए, ये ऐसा है कि जो आपसे आप रोज भी खाएंगे ना तो आप बोर नहीं हो। ये मसाले वाली चपाती आपने, और ये इन्होंने दही दिया हुआ है।
तो अगर कोई हल्के मसाले खाता है ना तो इस दही के साथ आप खा के उसको थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हैं। ये बिल्कुल प्लेन दही का रायता है, तो अगर मिर्च ज़्यादा लग रही हो वैसे तो इसमें है नहीं। हल्की सी खटास, चटपटा, मज़ेदार मज़ेदार। ये थोड़ा सा हम चिकन लेंगे, इसके साथ मिला के खाने में मज़ा आएगा ना भाई। ये चपाती ऐसी है कि अगर आपको पूरा चिकन तवा पीस नहीं खाना और आपको हल्की फुल्की भूख लगी है और चटपटा कुछ मसालेदार खाना है तो आप सिर्फ ये चपाती लें और रोल करके खाते हुए चले जाएं, मज़ा पूरा आएगा, जबरदस्त। हाँ भाई तो फिर चले, चले। हाँ जी, अब हम पहुंच गए हैं गुलशन मार्केट। हाँ जी, गुलशन मार्केट, गुलशन मार्केट पे हम आए अलखैर स्वीट्स पे, क्योंकि सर्दी का मौसम हो और गाजर का हलवा ना हो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। ये भाई यहाँ पे रसमलाई भी है, खीर भी है, लबेशीरी भी है, मीठे के ज़बरदस्त आइटम है, और अंदर जो है ना वो मिठाइयाँ, केक वेक सब चीज़ें रखी हुई हैं। 496 रुपये, बहुत सारी वैरायटी है लोगों की यार। भाई ये लिखा है यहाँ पे बम्बई पतीसा, तो क्यों इसका नाम बम्बई पतीसा क्यों है ये तो अब यही बताएंगे ना। ये पतीसा जो है ना ये हमारे पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है, नहीं ये इंडियन वो है, वही से आए नहीं, बनाया हुआ तो हमने है लेकिन ये आइटम जो है ना इंडिया की है, ये बम्बई पतीसा की, बम्बई पतीसा मुख्तलिफ है, तो बम्बई में स्पेशल होता ही है। मिठाई की तकरीबन 80% आइटम है इंडिया की। ये हलवे जो है ना, ये हलवे हमारे अपने रोस्टेड बेसन मूंगफली, वाह जी वाह। ये देखें आप, ये है पतीसा। अब बम्बई वालों आप बताओ कि ये पतीसा जो है ना ये ऐसा ये वहाँ मिलता है कि नहीं मिलता, मिलता तो होगा। चलें जी, सबसे पहले शुरुआत हम पतीसे से ही करते हैं, क्योंकि ये पतीसा जो है ना वो जिस तरह लच्छा होता है ना उस तरह का लग रहा है ये। बिस्मिल्लाह, चाहे खस्ता और ऐसा गया कि मुंह में जाके घुल गया है ना, बहुत मज़ेदार। दो तीन यहाँ पे मिठाइयाँ मशहूर हैं, हाफिज का सोहन हलवा तो है ही, रेवाड़ी का सोहन हलवा भी मशहूर है, और ये जो तीसरी दुकान पे आज हमें लाए हैं अलखैर, अलखैर यहाँ पे भी बहुत सारी वैरायटी है हलवों की और मिठाइयों की, और ये जो हमने अभी ये खाया है तो बहुत ही मज़ेदार। मिठाइयों का भी भाई बड़ा ही सीन है कराची में, महमूद की मिठाई, यूनाइटेड गुजरावाला में सुलेमान स्वीट्स, निराला, इस तरह के काफ़ी काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं माशाल्लाह, और मिठाइयाँ जो है ना उनकी बात ही अलग है। ओ मैं भी आया हूँ हलवा, गाजर का हलवा, गाजर के हलवे पे खोया देखें आप, साथ रसगुल्ला भी डाला है, रसगुल्ला भी डाला है भाई, बिस्मिल्लाह करें। सर्दी का माहौल, ठंडा ठंडा और उसमें गाजर का हलवा, वो भी खोयो रसगुल्ला, ये तो गरम गरम आया है ना, गरम गरम ही मज़ा है। हाँ जी, ये तो बात ठीक है। भाई इसी गरम गरम से हलवे के साथ आज के इस वीडियो का भी इख्तिताम करते हैं, आज की ब्रेक हो गई है आपकी बहुत ही मज़ेदार। भाई आकिब भाई और आकिब भाई दोनों भाइयों ने माशाल्लाह जो है ना वो बड़ी अच्छी है हॉस्पिटैलिटी की, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया, और इंशाल्लाह ताला मुल्तान आते रहेंगे और आपको यहीं मुल्तान की सौगातें जो है ना वो दिखाते रहेंगे। आज की वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।